मेरे दोस्तों, इस दिल को ताजा रखने के लिए हमें चाहिए कि हम जो है दिन में आधा घंटा एक घंटा जो है वर्जिश भी करें, जोर से चलें, दौड़ें, साइकिलिंग करें, कुछ करें। खा खा को मोटे हो जा रहे हैं, खाना बैठ जाना, रात को खाना सो जाना। बड़े हकीमों ने बताया था कि खाकर रात को कम से कम 40 कदम चलो, हमें 4 कदम भी नहीं चलते। डाइनिंग टेबल से उठे, बेड पर गिरे, फिर हार्ट अटैक नहीं आएगा तो और क्या होगा, दिल कमजोर नहीं होगा तो और क्या होगा, दिल की बीमारियां नहीं आएंगी। जो चीज दिल को पहुंचाना है, सेहत की चीजें, फ्रूट्स वगैरह, हम सिर्फ दिल को तेल दे रहे हैं। सुबह में डोसा होना, वड़े होना इडली के साथ, अब वड़े जो है वो पानी में तो नहीं तलते, रोटी पकाती तेल भर कर लगा लेती, सूखी रोटी भी नहीं खा सकते। हर चीज हमें नाश्ता करें, दिल को तेल दे रहे हैं। दोपहर में बिरयानी खा रहे हैं, तेल दे रहे हैं। रात को तली हुई चीजें खा रहे हैं, चिकन फ्राई ये वो, सारी चीजें तेल की दे रहे हैं। तो दिल सेहतमंद कान से रहे। मेरे दोस्तों, अपने खाने को बदलें, सूखी हुई चीजें खाने की कोशिश करें, उबली हुई चीजें खाने की कोशिश करें, और दिल के लिए बेहतरीन ग़िज़ा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो खजूर है। और हमारे घर में वोच नहीं रहता, तेलंग के डब्बे डब्बे रहती, मैदा रहता है, हर चीज बीमार करने की घर में मौजूद है। बादम, अंजीर, ये सब मौजूद ही नहीं। खजूर, दिन में कम से कम 3 खजूर खाना है हमें। साल में रमजान में खाते खजूर, फिर रमजान होगा तो कब खातेगा, तो ईद की नमाज को जाने से पहले खजूर खा ले जाना। वो छोड़कर साल भर खजूर याद ही नहीं आता। मेरे दोस्तों, खजूर जो है खुसूसी तौर पर अजवा खजूर, हमारे बच्चों को जो चॉकलेटों की आदत पड़ी है, मुझे मालूम है आदत छुड़ाना 99% नामुमकिन है, लेकिन कर सकते हैं। उनको चॉकलेटों से, चिप्स से, इन तमाम आर्टिफिशियल चीजों से हम नेचुरल चीजों की तरफ लाएं, हमारे बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे, हमारा घराना भी सेहतमंद रहेगा। मेरे दोस्तों, सेहत जो है अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जिसका दिल सेहतमंद है, उसे चाहिए कि जो दिल का मरीज है उससे पूछें कि भाई क्या तू तेज चल सकता है? नहीं तेज चल सकता, डॉक्टर ने मना किया है। भाग सकता है? नहीं भाग सकता। फूक फूक को कदम उठाना है। मेहनत के काम कर सकता है? नहीं कर सकता। हल्के काम ही करना है, डॉक्टर ने कहा है। पसीना निकले जैसा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। डॉक्टर ने मना किया है। सीढ़ी चढ़ने के लिए मना किया है, धूप में तेज चलने से मना किया है, तेल के चीजा, तेज चीजा, हार्ड चीजा खाने से मना किया है, गोश्त से रोक दिया है, नहीं खा सकते। क्यों साहब? दिल का मरीज हो गया।
तो मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए बेहतर चांस है कि दिल के मरीज बनने से पहले हम अपनी दिल की हिफाजत करें। सब करेंगे ना भाई, इंशाल्लाह। मैं अब भी 2 मिनट आपके लेना चाहता हूँ, मेरी बात अभी शुरू हुई नहीं। मेन चीज जो मैं आपको बताना है मेरे दोस्तों, ये जो दिल है, ये तो दुनिया के एतबार से जब हम गंदी चीजें जमा कर बीमार होना नहीं चाहते, अल्लाह भी चाहते हैं कि इस दिल को पाक रखा जाए गुनाहों से, इस दिल को दुनिया की मोहब्बत से पाक रखा जाए। अल्लाह पाक चाहते हैं कि मेरे बंदे का जो दिल है वो मेरा घर बने। मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। मोमिन का दिल किसका घर है? महबूबा का। मुझे वो सुना रहा, जो दिल है वो किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला कहाँ रहते हैं? मोमिन के दिल में रहते हैं। जो कलमा पढ़ता है उसके दिल में अल्लाह पाक रहते हैं। हमारे जबानों से जो बोल निकलते हैं वो दिल में जो होता है वो निकलते हैं। हमारे बोल बदलना है तो हमारे दिल को बदलना होगा। इस दिल को अल्लाह की याद से ताज़ा करना होगा, अल्लाह के खौफ से इस दिल को ताज़ा करना होगा। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जिस्म के अंदर गोश्त का लोथड़ा है जिसे कल्ब और दिल कहते हैं, ये सुधर जाएगा, इंसान पूरे का पूरा सुधर जाएगा। जैसे सेहतमंद दिल सेहतमंद जिस्म की निशानी है, ऐसे ही मेरे दोस्तों, जिस दिल में अल्लाह पाक बस जाएंगे वो मोमिन कामिल हो जाएगा। हमें चाहिए कि हम अपने दिल को जाहिरी भी पाक रखें, जाहिरी भी सेहतमंद रखें और बातिनी भी पाक रखें, बातिनी दिल की दुनिया को भी साफ रखें, सेहतमंद रखें। अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह पाक हम तमाम को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।